दिस इज चैप्टर नंबर 5. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री. टू चैप्टर्स इन ओ लेवल केमिस्ट्री आर कंसिडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट. वन ऑफ देम इज दिस वन. नॉर्मली बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात समझ नहीं आती कि मोल का मतलब क्या होता है. आई डिवाइड दिस चैप्टर इन टू थ्री सेक्शंस. तीन सेक्शन में मैं इसको डिवाइड करता हूँ. सेक्शन ए में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंबल, फार्मूलाए एंड इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे. सिंबल क्या होती है, किस तरह बनाई गई हैं सिंबल्स, फार्मूला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मूला आर, किस तरह फार्मूला जो है वो बनाए जाते हैं, इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, हाउ टू बैलेंस देम एंड हाउ टू राइट दी आयनिक इक्वेशंस. सेक्शन बी में हम सोलली बात करेंगे दी मोल के बारे में. इस चैप्टर में ज़्यादातर कैलकुलेशंस हैं. पहले हम देखेंगे कि मोल क्या होता है, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि एक्चुअली हाउ वी आर एबल टू डू दी मोल कैलकुलेशंस. सेक्शन सी में ऑल्दो दिस इज रिलेटेड टू द मोल, तो स्टोइकोमेट्री हम बात करेंगे. स्टोइकोमेट्री का मतलब यह है कि कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस करेंगे तो उसे हम स्टोइकोमेट्री करेंगे.